हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको जरबेरा के प्लांट को रिपोर्ट करके दिखाऊंगी और साथ ही ये भी बताऊंगी कि इसे कैसी सॉइल पसंद है और इसे किस सीजन में बदलना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए। ये देखिए, ये मेरा जरबेरा का प्लांट है। सर्दियों में इसमें काफ़ी फ्लावरिंग हुई क्योंकि ये सर्दियों का प्लांट है और वैसे ये प्लांट पूरा साल बना रहता है और गर्मी में भी फ्लावरिंग होती है, पर मेरी फ्लावरिंग इस प्लांट में बंद हो गई है। उसके पीछे रीजन ये है कि इसमें काफ़ी सारे न्यू पब्स निकल गए हैं और अब इसमें स्पेस ही नहीं है ताकि फ्लावरिंग हो सकता है अंदर से रूट बाउंड हो गई हो। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये न्यू काफ़ी सारी लीव्स निकल आई हैं और बिल्कुल स्पेस नहीं है अंदर, और फ्लावरिंग के लिए ये देखिए पब्स बने हुए हैं छोटे छोटे, पर प्रॉपर बाहर नहीं आ पा रहे हैं और खिल नहीं पा रहे हैं। ये देखिए, इसमें अच्छे से फ्लावरिंग हो इसके लिए मैं आज इसे रिपोर्ट करूंगी। मैं इसकी मिट्टी साइड से ढीली कर दूंगी। वैसे मेरी इसकी मिट्टी गीली है क्योंकि हमारे यहाँ रात को बारिश हुई थी। देखिए, मैं इसकी सारी ये गली पत्तियां निकाल दूंगी। और इसकी मिट्टी को ऐसे तोड़ूंगी नहीं, मैं इसे कुछ देर के लिए पानी में डिप कर दूंगी ताकि ये अपने आप मिट्टी हट जाए। मैं अब 1 घंटे के लिए इसे छोड़ दूंगी इसी तरह से, या जब तक मिट्टी बीच बीच में चेक करती रहूंगी। मैंने इसको हिला हिला के इसकी सारी मिट्टी इससे सेपरेट कर दी है ताकि इसकी रूट डिस्टर्ब ना हो। ये देखिए कितने सारे प्लांट्स रेडी हो गए हैं मेरे इस प्लांट में। अब मैं इनको सेपरेट करूंगी। आपको ध्यान से इन्हें खींच खींच के अलग करना होगा। ये देखिए, और इसे रिपोर्ट करने के लिए बेस्ट टाइम है, आप फरवरी के महीने में किसी भी टाइम इसे रिपोर्ट कर सकते हैं और मार्च के फर्स्ट वीक में भी इसे रिपोर्ट किया जा सकता है। काफी टाइट एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, इन्हें ध्यान से अलग करना पड़ेगा। देखिए, इसे भी सेपरेट कर दूंगी मैं।
इसे मैं इकट्ठा ही रखूँगी। ये देखिए मेरे कई प्लांट रेडी हो गए हैं। अब मैं इनसे इनकी सूखी हुई टहनियाँ और ये पत्ते अलग कर दूँगी। ये देखिए मैंने सभी के सूखे पत्ते और सभी टहनियाँ अलग कर दी हुई हैं जो फ्लावरिंग वाली थी, और अब इन्हें मैं पॉट में लगा लूँगी। कुछ को मैंने ज़्यादा अलग नहीं किया है, जैसे इसमें तीन प्लांट हैं, ये देखिए एक दो और तीन, तो इन्हें मैं ज़्यादा अलग नहीं कर रही हूँ, सेम इसमें है, ये देखिए एक दो तीन। अब इसकी सॉइल की बात कर लेते हैं। मैं इसके लिए जो सॉइल यूज करूँगी वो 50% गार्डन सॉइल है और 50% ही ये कोकोपीट है। और अब इसे रिपोर्ट कर रही हूँ तो इसमें फंजीसाइड पाउडर भी मिक्स करूँगी, क्योंकि इस प्लांट पे फंगस का अटैक जल्दी हो जाता है। और 1/4 टीस्पून इसमें एनपीके ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मेरी मिट्टी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं इसे पॉट में भरूंगी और इसके लिए मैंने पॉट लिया है ये कुछ इस साइज का। और इसमें देखिए नीचे इस तरह से होल है, इनको कवर करने के लिए मैं कुछ स्टोन्स यूज करूंगी। आप कोई भी स्टोन यूज कर सकते हैं। मैं ये घर बनाने में जो काम आते हैं वो वाले यूज कर रही हूँ। इससे इसका ड्रेनेज अच्छा रहेगा, और अगर आप ये नहीं लगाओगे तो आपकी सॉइल बाहर निकलती रहेगी। मैंने अच्छे से होल को सभी को कवर कर लिया है। अब इसमें मिट्टी भरेंगे। हल्का सा प्रेस कर दिया है। प्लांट को सेट करने के बाद आप अच्छे से साइड से मिट्टी से भर दीजिए इसे। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी और कुछ दिन के लिए इसे छाया में रखूंगी, क्योंकि अभी मैंने इसे रिपोर्ट किया है। उम्मीद है जो भी जानकारी मैंने आपको दी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।